आज कराची का मौसम इतना सर्द, इतना जबरदस्त हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलते हैं राहिल भाई से। राहिल भाई, आज आपने ये हुड क्यों पहना हुआ है, क्या है? हुड मैंने इसलिए पहना है कि कराची में एक बार फिर से ठंडी हवाएं चल गई, और अगर आपको नहीं यकीन तो देखें कि बाल अभी ये उड़ेंगे, जिस तरह से ये पत्ते उड़ रहे हैं और मट्टी भी उड़ रही है, क्योंकि कराची में बहुत सर्दी रही और उसके बाद कराची का मौसम नॉर्मल हो गया। 2-3 तक ऐसा था कि जैसे हम जून जुलाई में वापस चले गए, पसीने आना शुरू हो गए, मगर अभी जो हवाएं हैं बहुत खूबसूरत से हवाएं चल रही हैं और हल्की सर्दी रोमांटिक किस्म की हवाएं हैं, वो वाली हवाएं हैं जिसमें आप गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप पिए, कॉफ़ी पिए, चाय पिए, सब चाय पिए, और ये वो वाला मौसम है। और खाली कराची ही नहीं बल्कि कराची के अलावा अगर हम बलाई इलाकों की बात करें, वहाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त चावल भी, आपको पता है, आपने भी कई टूर किए हैं, हमने भी किए हैं। मरी जो है इस वक्त सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, मरी में कितने फीट बर्फ पड़ चुकी है। और अगर मुझे ऑफिस से छुट्टियां मिलती तो मैंने डायरेक्ट मरी चले जाना था, और मरी में वाकई इतनी ज्यादा सर्दी है और बर्फबारी है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, और फिर ये तो करीब भी है। इसी तरह थोड़ा और आगे बढ़े, नारायण की तरफ जाए, वहां पे भी बर्फबारी है। थोड़ा सा और आगे बाबूसर टॉप की बात करें, वैसे तो नारायण से बाबूसर टॉप का जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, सिर्फ आप खबरें सुने और बर्फबारी की फुटेजेस देखें और इसी को एंजॉय करें, मगर कोशिश मत करें कि हम आगे चले जाएंगे तो फंस जाएंगे और फिर आपके जो सारे मजे हैं ना सब खत्म हो जाएंगे, सारे मजे ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन राहिल भाई, और अगर आप यहीं से निकलें कश्मीर, कश्मीर चलते थोड़ा कश्मीर, कश्मीर की तरफ, वादी नीलम हो गया और उड़नखील हो गया, शारदा हो गया, वहाँ पर भी इस वक्त अच्छी खासी ठंड है, बर्फबारी है, और कुदरत के देखिए हसीन नज़ारे। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने 4 मौसम दिए हैं, अगर एक सूबे में गर्मी है, दूसरे में ठंड है, तीसरे में जाके उससे ज़्यादा ठंड है, तो हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और वैसे तो मेरा बहुत दिल है कश्मीर का, और जब भी बर्फबारी होती है, सर्दी आती है या बहुत ज्यादा गर्मी आती, तो मैं तो दिल चाहता है कि मैं नॉर्दर्न एरियाज में चला जाऊं। अभी जो कराची से हमारे करीब कोटा, कोटा भारत में जो बर्फबारी हुई है, जो ये हवा चली कराची में ठंडी, जो अब बताया जा रहा है अगले 2-3 दिन बड़े अहम है, और सर्दी पड़ेगी, सर्दी 5 डिग्री तक चले जाएंगे, सिंगल डिजिट पे आने वाले हैं, क्या लगता है कराची में क्या तैयारी कर रहे हैं? जिन लोगों ने अपनी अपनी जैकेट्स रख दी है वापस निकाल लें, और अगर नहीं भी पड़े आप इंजॉय करें, अभी मौसम बड़ा अच्छा है और इंजॉय वाला मौसम है, और ज्यारत तो बिल्कुल करीब है और खूबसूरत जगह है, और आप ज्यारत पे जाएं, वो जो उसका डेविल पॉइंट है वो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आप किनारे पे खड़े हुए, इतनी डेप्थ है, और वहाँ पे जब खड़े होकर आप देखते हैं तो खौफ तो आता है मगर कुदरत के होने का भी यकीन होता है, और जो कुदरती मनाजिर में जाते हैं और वहाँ पे भी इस वक्त बहुत सर्दी है, खून जमा देने वाली सर्दी पड़ी है, खून जमा देने वाली हवाएं खत्म हुई है, तो आप कराची के अंदर कोयटा वाली हवाएं, और इतनी हम सर्दी की बातें कर रहे हैं, इतनी गर्म गर्म चीजों की बातें करें तो चाय हो जाए, क्यों ना चले हम चलते हैं चाय पे, आप और हमारे साथ रहें और आपको दिखाते हैं कि इस मौसम में चाय के होटल पे रश है या नहीं है, लोग हमारी तरह एंजॉय करने निकले हैं या नहीं, आइए देखते हैं।